बाबाओं का बड़ा स्कोप चल रहा है आज। बाबा रामदेव का भी कल एक राजस्थान में बयान आया, उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म का मतलब है सिर्फ नमाज पढ़ना, मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना जरूरी है, नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो सब जायज है, चाहे हिंदुओं की लड़की उठा लो चाहे आतंकवादी। ये बीजेपी के कई रूप में कई तरह के लोग हैं जो सहयोग और साथ देते हैं। जब बजट देश का पास हुआ है, आप बताओ किसके चेहरे पे खुशी है? क्या बजट को समझ पाए लोग? ये हर चीज जो हमारे हमें सहूलियत दे सकती थी उस पे सब पे किस तरीके से कब्जा हो रहा है। चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी। क्या महंगाई कम करने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए कुछ पैसा लिया गया है? ये जो सड़कें बन रही हैं, आपको हमको चिंता करनी चाहिए, ये गंगा एक्सप्रेस बन भी पाएगा नहीं बन पाएगा? आपके बिल्कुल जिले से निकल के जा रहा है, सोचो ठेका किसके पास था। और देखिए बाबा रामदेव जी के लिए चिंता इसलिए मत करिए, वो योग अब नहीं सिखा रहे, योग नहीं सिखा रहे, वो व्यापार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो उत्तर प्रदेश में अच्छा व्यापार करेंगे, तेल घी बिस्किट पाउडर नमकीन वो अच्छा बेचें। सर यूपी में इन्वेस्टमेंट समिट की जा रही है निवेश के लिए। ये इन्वेस्टमेंट मीट पहले भी धोखा थी और फिर धोखा होने जा रहा है। और आज अगर अखबार आपने पढ़ा होगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 75% जमीन पर ले आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 5 लाख करोड़ और उसका 75% जमीन पर आ गया। तो हरदोई के लोगों बताओ, जो समाजवादी सरकार में आपके कारखाने लगे थे संडीला में, उसके अलावा एक कारखाना आगे लगाओ तो बता दो आप, एक कारखाना लगाओ हरदोई में, एक कारखाना कन्नौज में लगाओ। तो ये केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं, अखबारों के माध्यम से टीवी के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और केवल झूठ बोल रहे हैं।